क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी टू जब हमने ग्रोथ थ्योरीज को डिस्कस करना शुरू किया तो हमने वहाँ पे बात की कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्कशन दैट इज बीइंग कैरीड आउट बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एक में हमने कहा दे आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ग्रोथ और एक में हमने कहा दे आर पैसेमिस्टिक अबाउट ग्रोथ जब हमने ऑप्टेमिस्टिक की बात की तो वहाँ पर हमने सारी डिस्कशन की विद रेफरेंस टू स्मिथ थ्योरी ऑफ ग्रोथ और वहाँ पर हमने कहा कि ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड लिविंग स्टैंडर्ड Depends upon labor specialization and investment and capital accumulation. And labor specialization, because of that labor specialization, there is increasing returns. And because of this division of labor, there is increasing level of labor productivity. this division of labor, it is limited by the extent of the market. It is limited by the size of the market. This division of labor can be carried out only. ट मार्केट साइज इज सफिशेंट फिर इसी पैटर्न जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दिस इन्वेस्टमेंट केम फ्रॉम से प्रॉफिट बाई इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर और जब हम कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर इज लिमिटेड बाई द साइज ऑफ द मार्केट तो ये क्या है दिस इज बेसिकलीफ दी कि साइज ऑफ मार्केट

कैन कम फॉर कम फ्रॉम अब्रॉड एंड स्मिथ ने इस चीज़ को रिकोगनाइज किया और उसने कहा कि देयर इज रोल ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड विदाउट एक्सटेंसिव फॉरन मार्केट मैनुफैक्चर कुड़ नॉट ग्रो के जब आपकी लोकल मार्केट आप कह लें रिलेटिवली स्माल इन साइज हो तो वहां पे आपके पास फॉरन मार्केट का एक एक्सटेंसिव रोल होगा टू टू क्रिएट द डिमांड फॉर द आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस बाई द इंडस्ट्री और यहाँ पे जो स्मिथ के मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में उसने जो कैपिटल एकेमु थी दैट कैपिटल कैपिटलेशन इज जनरेटेड जनरेटेड बाई प्रॉफिट फ्रॉम द इंडस्ट्री और यहाँ पे जो रेट ऑफ प्रॉफिट है इट इज टू इन्वेस्ट इन स्टिमुलस टू इन्वेस्ट इन स्टिमुलस टू इन्वेस्ट इज इन ऑल क्लासिकल मॉडल्स एंड इफ द रेट ऑफ प्रॉफिट फॉल्स तो यहाँ पे क्या होगा डिजायर टू इन्वेस्ट भी आपकी कुछ डिक्रीज हो जाएगी एंड स्मिथ वॉज वेरी वेरी इम्बिग अबाउट द रेट ऑफ प्रॉफिट एज द डिपमेंट प्रोसेड हाँ जी एक साइड पर वो बात करता है कैपिटल स्टॉक ग्रोस आपका जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो क्या होगा इट विल फॉल ड्यू टू कॉम्पिटिशन अमंगस और दूसरे एंड पे वो बात यह भी करता है उसके साथ साथ न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज रेजिस द रेट ऑफ रिटर्न और ये रेट ऑफ रिटर्न क्यों राइज करेगा राइज करेगा और फॉल करेगा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डेवलपमेंट डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट ऑन ओल्ड एंड न्यू टेक्नोलॉजीज की अगर ओल्ड इन्वेस्ट हो गया तो इट माइट बी पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न और अगर न्यू टेक्नोलॉजी रेट ऑफ रिटर्न और यहां पर आप कह लें एक स्टेशनरी स्टेट भी आ सकती है अकॉर्डिंग टू स्मेथ लेकिन ये कब होगा इफ रेट ऑफ प्रोफिट फॉल्स टू जीरो

ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न है इट रिलेट्स टू द आउटपुट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज और ये इंटर रिलेटेड था एंड सम टाइम इट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कि अगर मैं इस तरह बात कर लू कि सपोज देर इज ए लार्ज मार्केट फॉर प्रोडक्ट एक्स और ये प्रोडक्ट एक्स हम अब कह लें मोर प्रॉफिटेबल मैनुफेक्चरिंग प्रोडक्ट एक्स मे बी मोर प्रॉफिटेबल इफ इट यूज मोर मशीनरी इन इट्स प्रोडक्शन जब मशीनरी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट एक्स तो उसकी वजह से क्या होगा इट द कॉस्ट ऑफ एक्स एंड द द कॉस्ट ऑफ मशीनरी और यहाँ पे अब मेक द यूज ऑफ मशीनरी प्रॉफिटेबल इन जब कॉस्ट ऑफ मशीनरी डिक्रीज हो गई तो ये जो मशीनरी थी इट बिकम यूज ऑफ दिस दिस मशीनरी इन अदर इंडस्ट्रीज भी क्या होगी इट आल्सो बिकम्स प्रॉफिटेबल प्रोफिटेबल जी कुछ इस तरह बात कर लें लेर आर टू इंडस्ट्रीज वन इज टेक्सटाइल एंड अदर वन इज स्टील जी अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कुछ मशीनरी रिक्वायर्ड की फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल गुड्स को रिवाइवल दिया इट मेक अ रिवाइवल टू द स्टील इंडस्ट्री और जब यहां पे मशीनरी आप, आप लें उसने परचेज की बिकॉज ऑफ दैट परचेज ऑफ द मशीनरी इन टेक्सटाइल सेक्टर स्टील बिकम आप कह लें चीपर फॉर अदर इंडस्ट्रीज टू और जब वो वहां पे चीपर हुआ तो इट बिकम प्रॉफिटेबल यूजेज ऑफ स्टील इन अदर इंडस्ट्रीज टू और उसके साथ साथ उसने क्या किया इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अदर सेक्टर लेकिन यहां पर यह जो हम बात कर रहे हैं कि रेड्यूस इट रेड्यूस दस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्ट एंड दॉ मशीनरी इट यूजली कैरिड आउटर सर्टन कंडीशन और वो सर्टन कंडीशन क्या है कि दिस प्रोसेस विल बिकम प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोगेट इन अमोलेटिवे इफ It operates under increasing returns. और उसके साथ साथ क्या है इनवॉल्वेंट ऑफ दशीनरी इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो विद्रीज इन प्रोडक्टिविटी साथ में क्या हो गया डिमांड फॉर दैट परोडक्ट इज ऑल्सो इलास्टिक वन लेकिन ये जो हम बात करते हैं कि दिस प्रोसेस एक्सपेंशनल प्रोसेस विल कंटिन्यू ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज देर इज अ लिमिट ऑन दिस प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन और वो कब होगा अगर हम यहाँ पे एज्यूम कर लें कि डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज बिंग प्रोड्यूस्ड इज इन इलास्टिक और साथ में वहाँ पे क्या है रिटर्न और नॉट इंक्रीजिंग अगर हम बात करें अब इस सारे को हम कंक्लूड करें तो हम यहां पे कह सकते हैं अंडर क्लासिकल ऑप्टिमिस्ट जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द इंक्रीजिंग रिटर्न और वो इंक्रीजिंग रिटर्न वो अचीव करेगा थ्रू लेबर स्पेशलाइजेशन और जब वो लेबर स्पेशलाइजेशन होगी तो बिकॉज ऑफ दैट लेबर स्पेशलाइजेशन देर इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी और जब इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी होगा तो इट आल्सो क्रिएट्स प्रॉफिट और जब वो प्रॉफिट क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दैट क्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट इट रिजल्ट इन मोर इन्वेस्टमेंट और ये जो प्रोसेस है ये आप कह लें करेगा और बिकॉज ऑफ दैट प्रोपोगेशन देयर इज इंक्रीज देयर इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स इन द इंडस्ट्री